महिला टीचर पर क्रश होना कोई आम बात नहीं। कई बड़े सेलिब्रिटी भी बचपन के किस्से बता चुके हैं। हालांकि ये पर कभी दो तरफा नहीं होता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें लड़के ने इंस्टाग्राम पर महिला टीचर का नंबर मांगा। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो एक दूसरे के घर पर जाना आना शुरू हो गया और फिजिकल रिलेशन बन गए। इसके बाद बच्चे ने महिला टीचर को अपने पेरेंट्स से मिलवाया और बताया कि मैं इससे प्यार करता हूँ। वही महिला टीचर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 13 साल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हालांकि पेरेंट्स को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि दोनों की उम्र का फासला ज्यादा है, लेकिन 13 साल के बच्चे के साथ संबंध बनाने की वजह से पुलिस ने महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया और उसे 10 साल की सजा हुई थी। बता दें कि इस प्रेगनेंसी से पहले महिला टीचर की एक सेपरेट रिलेशन से 4 साल की बच्ची भी थी। मामला अमेरिका के नॉर्थ हॉस्टन का है। वहाँ के स्टोवल मिडिल स्कूल में 24 साल की अलेक्जेंड्रिया वेरा उस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी। वहीं पर 13 साल की एक स्टूडेंट से उसकी मुलाकात साल 2015 में हुई। एक दिन साल 2016 में अचानक लड़के ने स्कूल बंक कर दिया और अलेक्जेंड्रिया के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर नंबर मांगा। साथ ही कहा कि हम दोनों को कहीं घूमने चलना चाहिए। मैसेज मिलने के अगले दिन महिला टीचर लड़के के घर पर पहुंच गई। उस दौरान लड़के के पेरेंट्स घर पर थे ही नहीं। ऐसे में दोनों के बीच पहली बार फिजिकल रिलेशन बने। कोर्ट में जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दोनों के बीच डेली बेसिस पर अवैध संबंध स्थापित होने लगे। तब स्कूल के अन्य छात्रों ने भी कहा था कि वो लड़का भरी क्लास में टीचर के साथ गलत हरकतें करता था, लेकिन टीचर उसका विरोध कभी नहीं करती थी। पूरे स्कूल में इसकी चर्चा थी। वहीं महिला टीचर की पड़ोसी ने कहा कि वो लड़का हमेशा ही अलेक्जेंड्रिया के घर पर दिखाई देता था। पूछने पर वो बताती थी कि वो उसका भाई है। हालांकि इसके बाद लड़के ने अपने पेरेंट्स से अपनी टीचर को बतौर गर्लफ्रेंड मिलवाया। अलेक्जेंड्रिया ने कहा कि उन्हें मेरी उम्र का और प्रेगनेंसी से कोई दिक्कत नहीं थी। लड़के के पेरेंट्स खुश थे। हालांकि चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े जांचकर्ताओं की वजह से अलेक्जेंड्रिया को अबॉर्शन कराना पड़ा। इंटरनेट पर आज भी लोग इस घटना पर चर्चा करते हैं। बता दें कि बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से रिश्ते की स्वीकृति मिलने के बावजूद कोर्ट ने महिला को 10 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाते हुए कोर्ट के जज माइकल मैक्सपेडन ने कहा कि मैंने ऐसे कई समान मामले देखे हैं। हम चाहते हैं कि टीचर स्कूली बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ना कि ऐसे उदाहरण पेश करे। गाइस, रोज ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए मैन टू फैक्ट चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।